हर घर तिरंगा और वृक्षारोपण अभियान के अगले चरण में आज स्पोर्ट्स वेपन ट्रेनिंग स्कूल करेरा ने इस अभियान की ओर अधिक गतिशील बनाने के उद्देश्य से संस्थान के परीक्षार्थियों को ग्रुप फोटो सेशन के दौरान सभी परीक्षार्थियों के हाथों में एक पौधे देकर फोटो सेशन को पूर्ण किया, ताकि भविष्य में अब वे भी अपने फोर्स की यादगार रूपी फोटो को देखेंगे तो उन्हें याद रहेगा कि वृक्षारोपण अभियान को जन जन तक पहुंचाना है। साथ ही प्रत्येक परीक्षार्थियों को निर्देश दिए गए कि कोर्स संपत्ति के पश्चात जब वे घर जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति 10-10 पौधे और राष्ट्र ध्वज की पताका फहराए। संस्था द्वारा इस अभियान के तहत अब तक कुल 3,000 पौधों को रोपित कर वृक्षारोपण अभियान को और तीव्र दिशा दी गई है। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान के तहत कुछ ही दिनों पश्चात आसपास के गांवों में प्रभात रैली के माध्यम से इस अभियान को स्वर्णिम मार्ग की ओर अग्रसर किया जाएगा। इस वर्ष जो है हर घर तिरंगा का अभियान चला रहे हैं और उसी के ध्यान में रखते हुए ITVP सपोर्ट ओपन ट्रेनिंग स्कूल ने भी अपना निर्णय लिया है कि हम हर घर तिरंगा के साथ साथ हर घर तिरंगे के साथ साथ पौधारोपण भी करेंगे। तो इसीलिए अभी संस्थान में लगभग 150 ट्रेनीज हैं जो अलग अलग कोर्स के लिए आए हुए हैं, जिसमें अधिकारी वर्ग भी हैं, अधीनस्थ अधिकारी वर्ग भी हैं और अन्य रंग भी हैं। सभी वर्ग के साथ अभी जैसा कि आपने देखा है कि सभी कोर्स के सीनियरों को हमने एक एक पौधा दिया है और इनसे अनुरोध किया है कि ये अपने कोर्स में सभी को संकल्प लेंगे कि जब इनका कोर्स ख़त्म होगा अपने घर में जाके कम से कम एक ट्रेनी अपने घर में 10 पेड़ लगाएगा। और जैसे कि कुछ कोर्स 6 अगस्त को समाप्त हो रहे हैं तो घर में जाके ये तिरंगा भी लगाएंगे और एक अधिकारी या जवान अपने घर में तिरंगा के साथ साथ 10 तिरंगे और अपने पड़ोसियों को जो है सहयोग करेंगे लगाने के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि एक परंपरा है ट्रेनिंग सेंटर्स की कि जब भी कोर्स ख़त्म होता है तो उस कोर्स का एक ग्रुप फोटोग्राफ होता है। अब की बात इस संस्थान ने निर्णय लिया है कि ग्रुप फोटोग्राफ में तिरंगा तथा एक पौधा लेके हम फोटो खिंचा रहे हैं, क्योंकि ये फोटोग्राफ जो है ग्रुप फोटोग्राफ यादों को ताज़ा करने के लिए सभी लोग ये अपने घरों में लगाएंगे और जब भी ये कभी भविष्य में इस फोटो को देखेंगे तो ये पौधा जो इनके हाथ में ये था तिरंगा, इनको याद दिलाते रहेंगे कि ये केवल 2022 के लिए नहीं है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। हर वर्ष पौधा लगाएंगे और झंडे की आन बान शान को हमेशा ऊँचा रखेंगे। जय हिंद।